हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट. माय नेम इज कीर्तिका सिंगला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो सबसे पहले तो मुझे बताओ आप सब कैसे हो एंड आप सबके जॉब्स कैसे चल रही हैं एंड ऑनलाइन का कुछ मसाला मुझे बताओ, क्या चल रहा है ऑनलाइन एटिक्स में, क्या चल रहा है? क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा कनेक्ट इतना नहीं रह पा रही हूँ. हाँ, बट कुछ कुछ तो अपडेट्स मिलती रहती हैं मुझे, बट ज़्यादा नहीं. तो आप कमेंट्स में मुझे थोड़ा बताओ, ठीक है? और जो मैं डिस्कनेक्ट रही हूँ इतना टाइम, इसका रीज़न यही था कि मैंने अपनी जॉब स्विच की है और मैंने सिटी रीलोकेट की है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया. बट नाउ आई विल ट्राई टू बी वेरी एक्टिव ऑन द चैनल और अपकमिंग वीडियोज में बहुत सारी डालूंगी अपनी न्यू जगह के बारे में, नई इंस्टीट्यूशन के बारे में और ऑफलाइन कल्चर के बारे में, ट्राई सिटी के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में या फिर मोहाली एंड पंचकूला, इन ट्राई सिटी के बारे में बहुत सारी हम लोग गपशप करेंगे. गपशप इन द सेंस कि जैसे कमेंट्स आया था कि काफ़ी चाहते हैं यहाँ रिलोकेट होना, तो क्या प्रोसेस है या क्या चीज़ें होती हैं. आई विल ट्राई कि थोड़ा इनकी नॉलेज लें और ट्राई टू मेक द कनेक्शंस हु कैन हेल्प यू गाइज टू गेट हायर्ड इन दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं थोड़ा अपडेट भी करूंगी यहाँ पे. अगर कुछ भी वैकेंसीज होती हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में, ट्राई सिटी में, तो मैं वो आपको अपडेट करूंगी. तो उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलरली चेक करते रहे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आपको बताती रहूंगी, ठीक है? चलो आज के टॉपिक पे आते हैं, जो मेन टॉपिक है व्हाई आई लेफ्ट बायजूस, क्योंकि अभी आई जस्ट केम फ्रॉम इंस्टीट्यूट सम टाइम बिफोर. मुझे कुछ ही टाइम हुआ है तो, बट मुझे आज ये क्लोज करनी थी वीडियो. मैं थर्ड टाइम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैंने बनाया वीडियो उसे कुछ दो दिन बाद अपडेशंस हो गई मेरे प्रोसेस में, तो फिर मुझे वो सारा आपको बताना था और कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो थर्ड टाइम बना रही हूँ, ठीक है? चलो, सबसे पहला रीज़न था व्हाई आई लेफ्ट बायजूसेस कि मेरा पर्सनल रीज़न था कि मुझे अपना करियर स्विच करना था ऑनलाइन से ऑफलाइन. देखो, मेरा अभी जो एज है वो ठीक है, मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर सकती हूँ. मतलब अगर कोई जॉब स्टेबल नहीं है तो, मतलब स्टेबल जॉब में मुझे एकदम से जंप करने का इतना नीड नहीं है फॉर द टाइमिंग. तो और जो ट्रेंड चल रहा था अभी, मैं देख रही थी सभी एडटेक कंपनीज ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि इन फ्यूचर अगर मुझे इन ऑफलाइन सेंटर्स में जॉब चाहिए होगा तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनमें अच्छे पैकेज में जॉब लेने की. तो इसी वजह से आई थॉट कि इट्स अ हाई टाइम कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं. ऑनलाइन हम कभी भी स्विच हो सकते हैं, बट ऑफलाइन एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे. तो दैट्स वाई ये बहुत ही मेरा मेन रीजन था कि मुझे ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना है. अब काफ़ी का क्वेश्चन होगा कि आपने इंस्टीट्यूशन ही क्यों स्विच किया, ये तो मैं बायजूस में रहकर भी कर सकती थी. बिल्कुल, द आंसर इज येस. मुझे जब मैंने ये उन्होंने रीज़न पूछा व्हाई यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उनको यही बोला था कि मुझे ऑफलाइन जॉब करना है, मुझे ऑफिस में जाके काम करना है, अभी मैं बहुत फेड अप हो चुकी हूँ. तो उन्होंने भी हमें मुझे ऑफर दिया उस बात पर कि आप आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ और आप बेंगलोर में जॉब कर सकते हो. बट मुझे पर्टिकुलरली ट्राई सिटी ही जाना था और उस टाइम पे बायजूस में फॉर चंडीगढ़ लोकेशन या इधर कोई भी वैकेंसी नहीं था या बोल सकते हो. उन्होंने बोला कि जो मेरा प्रोफाइल था एकेडमिक स्पेशलिस्ट, वो प्रोफाइल बायजूस के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं या बायजूस आकाश जो है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और उसके लिए वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है. एकेडमिक स्पेशलिस्ट अलग प्रोसेस है, उन सब में जॉब्स का अलग प्रोसेस था. तो मैं डायरेक्टली वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, फिर मुझे नहीं करना है ऐसा. तो उन्होंने दे गेव मी ऑफर फॉर रिलोकेटिंग ऑल्सो, ठीक है? और सेकेंड या थर्ड बोल लो, मेन था जो मेरा सोशल लाइफ था वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था. तो हेल्थ इफेक्ट तो हो ही रही थी, 8-8 आवर्स सिस्टम के आगे बैठना, मतलब मुझे मेरे लाइफ पूरी ऐसे लगती थी मेरी पूरी लाइफ लैपटॉप के आगे पीछे है. क्योंकि अगर हम बोले जो आईटी जॉब्स होती हैं उनमें भी तो लैपटॉप
पे ही जॉब होती है, बट उनको ट्रिप्स मिलते हैं या उनको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिससे वो रिलैक्स हो सके, और या फिर आउट ऑफ सिटी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वो आफ्टर द जॉब या ये सब कुछ वो कर सकते थे, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। घर पे बैठो, एक टेबल चेयर सुबह से शुरू हो जाओ, रात तक यही करते रहो, कोई ब्रेक्स नहीं, कोई ट्रिप्स नहीं, कोई कंपनी ने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप यहाँ पे आओ या कुछ अलग चीज एक्सप्लोर करो, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो कोई 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 लाइफ ही नहीं थी, कोई अच्छा लाइफ ही नहीं जा रहा था, कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार क्या मतलब अभी हम थोड़े से यंग हैं तो हम लोग मेहनत शायद कर सकते हैं, हम लोग इधर उधर घूम सकते हैं, कमिंग टाइम में मे बी हम वो भी ना कर सकें। तो अभी सिचुएशन ऐसी थी कि आई कैन गो ऑफलाइन, मे बी फ्यूचर में एक सिचुएशन हो कि मैं सिटी से बाहर ही नहीं जा सकती, कि मुझे ऑनलाइन ही करनी है। तो जो मेरा सराउंडिंग्स था उसमें आई कैन गो ऑफलाइन, तो आई चोज इट कि वाई नॉट। ऑनलाइन जॉब भी बुरी नहीं थी, बायजूस की जॉब बिल्कुल बुरी नहीं थी। मैं आपको देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मेरी खुद की, इट्स माई ऑन चॉइस। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, अगर आई है तो वो सब ऑर्गेनाइजेशंस में आती है जो कि मिनिमल या फिर वो सबके लिए होती है। मेरे पर्टिकुलर मेरे लिए कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, और ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो मैं क्यों बोलूं कि आपको कि मत जाना, या मैं बहुत दुखी थी, मैंने ये कंपनी छोड़ी तो आप मत इसमें एंट्री लेना, आई विल नॉट से दैट, है ना। अगर आपको ऑनलाइन जॉब करनी है प्लीज डू अप्लाई, कोई बुराई नहीं थी। मेरे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे ऑफलाइन एक्सप्लोर करना था, एंड मुझे ये मैंने ये भी कंडीशन ली थी कि अगर 4 months के बाद मुझे नहीं जमा या मुझे दोबारा आना है, देन यू विल कंसिडर मी। देन दे सेड कि फाइन, हाँ ऐसा होगा ही, 4 months के बाद अगर वैकेंसी होती है यू कैन कम एनी हाउ, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन अस अगेन। तो यही चीज थी कि वैकेंसी पे होता है, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, राइट। और यही था, बस यही कुछ पॉइंट्स थे, थोड़ा हेल्थ इश्यूज या सोशल लाइफ या फिर ऑफलाइन करियर, मुझे उसमें भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, मुझे ऑफिस जाना था, मुझे लोगों से मिलना था, मुझे सीखना था जो कि शायद मैं घर बैठ के नहीं सीख पा रही थी, मुझे दोबारा से अपनी लाइफ मैनेजेबल करनी थी, पैसे खर्च करने थे, तो बहुत कुछ ऐसा था कि जो मुझे करना था, तो इसीलिए आई थॉट फॉर दैट। तो हाँ, आप सब ये वीडियो देख लोगे कि कुछ मैं बताऊंगी, कंपनी की बुराई करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्लीज जाएं, मतलब अप्लाई करें इफ़ यू वांट टू डू ऑनलाइन जॉब, कुछ बुरा नहीं है। एंड कुछ होगा अगर मुझे ऐसा अटपटा लगेगा, मैं आपके साथ ज़रूर चैनल पे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो कि बायजूस में अभी हैं, लाइक यू कैन से माई एक्स कलीग्स, वो अभी भी वहाँ हैं, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिलती है I will share with you guys for sure. और एक चीज है कि जो मेरा ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस है बायजूस में, आप बोल सकते हो कि रेजिग्नेशन मेल से लेकर लास्ट मंथ की सैलरी प्लस 40 डेज की सैलरी और ये सब कुछ, मतलब यहाँ तक सैलरी तक, रेजिग्नेशन से सैलरी तक, बीच में एसेट सबमिशन, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चीजें होती है, वो सब मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी मुझे वो एक्सपीरियंस लेटर ये सब नहीं आया है, बट आई होप दैट विल कम सून। और EF प्रोसेस मैंने अभी नहीं कंप्लीट किया अपना, बट आई विल कंप्लीट, आई विल ट्राई इट सून जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी सोच रहे हो टू रिजाइन, या फिर आप कुछ भी आपके मन में डाउट है रिलेटेड टू दिस, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं वैसे भी सोच रही हूँ इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाऊँ। इन केस बहुत अच्छे कमेंट्स या किसी को भी कोई डाउट होता है, आप मेरे से कमेंट्स में बोल सकते हो, आई विल क्रिएट दैट वीडियो फॉर श्योर, ठीक है। और कमिंग वीडियोस में मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगी। अच्छा, जो आज आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है बिल्कुल चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि पहले आपको हमेशा मेरा वाइट और वो मेरा खुद का रूम, जिसकी 2 से 3 ऑलरेडी वीडियोस है रूम टूर की, तो वही आपको हमेशा दिखता है मेरे वीडियोस में, बट अब कुछ बहुत सारा चेंज हुआ है क्योंकि मैंने पूरा रूम ही चेंज कर लिया है। सो इसका भी मैं आपको ज़रूर अपना रूम टूर दूंगी, क्यों नहीं, पहले भी दिया है अब भी देंगे। एंड ट्राइसिटी जॉब्स के बारे में, अपने न्यू इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अच्छा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि मैं अब दोनों चीज़ एक्सपीरियंस, ऑफलाइन मैंने अब इतना टाइम नहीं हुआ है, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। एंड जैसे मैं मैथ्स टीच कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत मैथ्स की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, प्लीज शेयर दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड
जितना हो सके मैं ट्राई करूंगी, अभी ट्राई नहीं, फॉर श्योर मैं बहुत एक्टिव रहूंगी चैनल पे एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगी। छोटे छोटे ब्लॉग्स भी सोच रही हूँ, शॉर्ट ब्लॉग्स लेकर आऊँ, एंड सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, बस कर पाऊँ बहुत है तो बहुत सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया यहाँ के, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, पता चला है अपने आप को इतने तीन कोविड के 3 सालों के बाद घर से बाहर निकले हैं, तो देखते हैं कुछ तो अच्छा उखाड़ेंगे। ऑनलाइन में भी उखाड़ा है, यहाँ भी उखाड़ेंगे, अच्छा कुछ अच्छा करेंगे। तो आप सबका साथ चाहिए एंड बने रहना और कमेंट्स करना कुछ नई वीडियो के लिए या कुछ भी आप जो भी देखना चाहते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव फन, टेक केयर।